फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ एक और मीशो से शॉपिंग का हॉल वीडियो, जिसमें मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ अफोर्डेबल कुर्तीज एंड कुर्ता सेट अंडर 550 रुपीज के बजट में। तो दोस्तों, अगर आप आज की वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर हॉल वीडियो। तो दोस्तों, मीशो पे जो भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं इनके कोई भी लिंक्स नहीं होते, उनके होते हैं प्रोडक्ट्स के कोड्स। तो आज के सारे आउटफिट्स के जो कोड्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में विद प्राइस मिल जाएंगे। साथ ही साथ, अगर आपने मीशो में अभी तक साइन अप नहीं किया है तो मेक श्योर करें कि आप मेरे दिए गए साइन अप लिंक से ही साइन अप करें। उससे आपको अपने फर्स्ट ऑर्डर में 30% से लेकर 100 रुपीज तक का डिस्काउंट अवेल हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा आज का हॉल। तो आज के हॉल में बहुत ही प्यारे प्यारे अंडर 500 रुपीज में कुर्ता सेट एंड कुर्तीज सभी आपको। तो हमारे जो हॉल की सबसे पहली कुर्ती है, ये एक प्यारी सी कॉटन की कुर्ती है और ये सारी की सारी कुर्तीज एंड कुछ कुर्ता सेट भी है आज के हॉल में, तो 550 रुपीज के बजट में ही है। तो यहाँ पे सबसे पहली जो कुर्ती है वो है हमारी ये कॉटन की कुर्ती, बहुत ही सुंदर एंड प्यारी कुर्ती है जो की डेली यूज के लिए काफी अच्छी रहने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा कॉटन का कुर्ता आएगा अनारकली पैटर्न में। इसमें जो साइज मैंने लिया है वो एक्सेल साइज लिया है एंड काफी अच्छा खासा, मतलब बड़ा मुझे रिसीव हुआ है, मतलब काफी ज्यादा बड़ी साइज में कुर्ती है। तो अगर आप इसको लेते हो तो आप अपने आपको परफेक्टली फिट होता है ना वही वाला साइज में आप परचेज करिएगा। मैं मीशो से कोई भी प्रोडक्ट हमेशा एक्सेल साइज में इसलिए परचेज करती हूँ क्योंकि मीशो के साइजेस बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, कुछ आप कह नहीं सकते। कई बार एल साइज के प्रोडक्ट भी फिट नहीं आते, कई बार एक्सेल साइज के प्रोडक्ट भी काफी ज्यादा छोटे पड़ जाते हैं, तो इसीलिए तो मैं एक्सेल ही परचेज करती हूँ। तो ये काफी ज्यादा बड़ा रिसीव हुआ है। तो अगर आप डबल एक्सेल हो या फिर एक्सेल हो तो अगर आपको फिटिंग का प्रॉब्लम रहता है तो आप इस कुर्ती को आराम से परचेज कर सकते हो। यहाँ पे आपको 3/4 स्लीव्स मिल जाएगी। इसमें आपको बैक साइड में एंड फ्रंट साइड में आप देख सकते हो व्हाइट कलर की जो स्ट्राइप्स है इसका पैटर्न है, अनारकली पैटर्न में कुर्ती आएगी। और यहाँ पे मिडिल में आपको जो बटन्स की डिटेलिंग दिख रही है, ये सारी बटन्स जो है क्लोज है। यहाँ पे ये फ्रंट स्लिट कुर्ता रहेगा, क्वालिटी इसकी काफी अच्छी है। व्हाइट कलर के लेंगिस के साथ में या फिर ट्राउजर के साथ में आप कंफर्टेबली वेयर कर सकते हो। और मैंने जो इसमें ट्राउजर वेयर किया है ये मैंने लिया था अमेजोन से, तो उसकी जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चेकआउट कर लेना। सो ये काफी खूबसूरत सा एक कुर्ता है, जरूर आपको ट्राई करना चाहिए इसको। नेक्स्ट जो मैंने लिया है ये है अगेन एक बहुत ही प्यारा सा कॉटन में कुर्ता है जो कि ग्रे कलर आप कह सकते हो, क्योंकि ये पूरा ब्लैक तो नहीं है, ग्रे कलर है इसका। तो यहाँ पे नेक पे आपको काफी खूबसूरत सा थ्रेडवर्क मिलता है जो कि बहुत ही ज्यादा इसको अट्रैक्टिव बनाता है, काफी खूबसूरत आप यहाँ पे देख सकते हो फ्लावर्स का काम हुआ हुआ है। तो यहाँ पे आपको थ्रेडवर्क एंड बॉर्डर पे आपको सीक्वेंस का वर्क मिल जाता है। और बाकी पूरी जो कुर्ती रहती है स्ट्रैप्स के पैटर्न की कुर्ती आएगी, फ्रंट साइड में एंड बैक साइड में बोथ साइड में आपको स्ट्रैप्स का पैटर्न मिलेगा। एंड कुर्ती का जो फ्रंट साइड रहेगा उसके नीचे की तरफ आपको ये छोटी छोटी बूंटियां आपको बनाए हुई मिल जाएगी, ये आप देख सकते हो छोटी छोटी बूंटियां आपको बनाए हुई मिल जाएगी जो कि क्वालिटी में काफी अच्छी है, ट्रांसपेरेंट बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको व्हाइट कलर के साथ में, रेड कलर के साथ में या फिर ग्रीन कलर के साथ में वेयर कर सकते हो क्योंकि इसमें जो एम्ब्रॉयडरी है इसमें मल्टी कलर का यूज हुआ हुआ है। एंड कोई भी कलर की लेंगीज या फिर ट्राउजर इसमें काफी खूबसूरत लगेगा। आप चाहो तो इसमें शरारा वगैरह भी पहन सकते हो, जो भी आपके पास में हो वो आप पहन सकते हो। 3/4 आपको यहाँ पे स्लीव्स मिल जाएगा, आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे ये जस्ट एक धागा था, मतलब ऐसा कोई डिफेक्ट नहीं है इसमें। तो ये स्ट्रैप्स का पैटर्न आपको मिलेगा, प्योर कॉटन की कुर्ती है, क्वालिटी काफी अच्छी है, घर पे आप इसको इजीली वॉश भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट जो कुर्ती है ये भी एक बहुत ही प्यारी सी कॉटन की कुर्ती है। तो यहाँ पे ये पूरा कॉटन में रहेगा, प्योर कॉटन का कुर्ता है, घर पे धो पहनो खराब नहीं होगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो नेक पे गोटा का बॉर्डर आपको मिलेगा, काफी खूबसूरत सा डिसेंट सा यहाँ पे गोटा वर्क करा हुआ है। एंड बाकी जो पूरी कुर्ती रहेगी इसमें ये पूरा फ्लोरल प्रिंट आएगा, फ्रंट एंड बैक साइड बोथ साइड में आपको फ्लोरल प्रिंट मिलेगा, स्ट्रेट कुर्ता आएगा। 3/4 यहाँ पे आपको स्लीव्स मिलेगी जिसमें गोटा का वर्क हुआ हुआ है, क्वालिटी इसकी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, ये बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, आप इसको घर पे इजीली वॉश कर सकते हो। ये बिल्कुल भी कलर वगैरह का कोई इशू नहीं रहेगा कि कलर जा रहा है, ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं रहेगा। आप इसको छोटे मोटे फंक्शन में, छोटे मोटे ओकेजन में इसको पहन सकते हो, बहुत ही प्यारी लगेगी। इसमें जो साइज है मेरा वो है एक्सेल साइज, आप अपने अकॉर्डिंग साइज ले सकते हो, जो भी साइज आपको परफेक्टली मीशो से खास करके परफेक्ट फिट मिलता है वो वाला साइज आप ले। नेक्स्ट जो कुर्ती है ये एक रेयॉन की कुर्ती आएगी, अगेन एक्सेल साइज में मैंने लिया है तो ये रेयॉन में रहेगी। कुर्ती सिंपल है, अनारकली पैटर्न में रहेगी, तो यहाँ पे सॉलिड प्लेन कुर्ती है ये, यहाँ पे आपको बटन्स की डिटेलिंग मिल जाएगी और पूरा ये अनारकली पैटर्न में रहेगा कुर्ता। नीचे में आपको ये फॉइल प्रिंट का जो है बॉर्डर मिलेगा, फ्रंट
एंड बैक साइड, बोथ साइड में आपको ये वाला बॉर्डर मिल जाएगा नीचे की तरफ। एंड 3/4 आपको यहाँ पे स्लीव मिलेगी जिसमें आप देख सकते हो काम किया हुआ है, अगेन फॉइल वर्क का काम है। तो ये सिंपल सी सॉलिड रेयॉन के फैब्रिक की कुर्ती है, छोटे मोटे काम के लिए अगर आप जा रहे हो मार्केट तो उसमें आप पहन सकते हो इसको। मटेरियल काफी अच्छा है, आप इसको घर पे इजीली वॉश कर सकते हो। तो दोस्तों ये वाला जो फैब्रिक है इसका कुर्ती का, इसको अगर आप वॉश करोगे तो ये हल्का श्रिंक तो होगा, तो अगर आप मतलब उसी हिसाब से आप साइज परचेज करिए कि अगर श्रिंक हो जाता है, बहुत ज्यादा फिटेड भी मत लीजिए क्योंकि अगर ये फिटेड रहेगा तो वॉश करने के बाद में ये हो सकता है श्रिंक हो, तो थोड़ा आपको टाइट हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि साइज उस हिसाब से आप परचेज करें। नेक्स्ट जो मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, ये एक और कॉटन की कुर्ती है जो कि बहुत ही बजट फ्रेंडली प्राइस में मीशो पे आपको मिल जाती है। काफी खूबसूरत है, व्हाइट कलर में पूरा प्रिंट का कुर्ता आएगा। ये भी मैंने जो लिया है एक्सेल साइज में लिया है, इसकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, प्रिंट बहुत अच्छा है, फ्रंट एंड बैक साइड बोथ साइड में आपको प्रिंट मिल जाता है। 3/4 आपको यहाँ पे स्लीव्स मिलेगा, क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। ये जो कुर्ती है ये व्हाइट कलर में है बट ये बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो आप इसको ऑफिस के लिए, डेली यूज के लिए आप इसको परचेज कर सकते हो, घर पे पहनने के लिए या फिर किसी को गिफ्ट करने के लिए भी आप इसको परचेज कर सकते हो क्योंकि काफी रीजनेबल प्राइस में आपको मिल जाती है। एंड अभी तक मैंने जितनी भी कुर्तीज दिखाई सभी बहुत ज्यादा रीजनेबल प्राइस में है। नेक्स्ट अब मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ कुर्ता सेट जो कि अगेन काफी रीजनेबल प्राइस में मैंने लिया है, अंडर 550 रुपीज। वो भी ये कॉटन के हैं, ऐसा ही नहीं कि कुछ भी है, कॉटन के हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मरून कलर की कुर्ती आएगी, जहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ये बटन्स का डिटेलिंग एंड पाइपिंग का डिटेलिंग मिल रहा है। बहुत ही प्यारी कुर्ती है कॉटन में, 3/4 आपको स्लीव्स मिल जाएंगे, फ्रंट एंड बैक साइड बोथ साइड में आप देख सकते हो ये जो वर्क आप देख रहे हो ये वाला व्हाइट कलर का, ये प्रिंट नहीं है, ये थ्रेड का वर्क करा हुआ है। अंदर में मैं आपको थ्रेड दिखाना चाहूंगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा थ्रेड वर्क है, ये कोई प्रिंट नहीं है। तो इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है, कॉटन का जो उसका मटेरियल है वो भी सॉफ्ट है, तो एक बजट के अंदर में आपको क्वालिटी अच्छी मिल रही है, तो डेफिनेटली आप इसको ग्रैब कर सकते हो। इसके साथ में जो ट्राउजर आएगा वो व्हाइट कलर में आएगा जिसमें ब्लैक कलर का प्रिंट करा हुआ है, आप देख सकते हो बैक साइड में यहाँ पे इलास्टिक है और दोनों साइड में आपको पॉकेट मिल जाएगा फ्रंट में, और ट्राउजर लूज फिट रहता है, कंफर्टेबल है फिटिंग में, तो क्वालिटी एंड फिटिंग दोनों ही बहुत अच्छी मिलती है इसमें। मेरा जो साइज है वो तो एक्सेल है, आप अपने अकॉर्डिंग साइज लीजिए, जो भी साइज आपको बेस्ट फिट हो रहा है। तो नेक्स्ट जो मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ ये है एक कुर्ता सेट जो कि अगेन कॉटन में रहेगा, साथ ही साथ अफोर्डेबल प्राइस में रहेगा। सो यहाँ पे ये है येलो कलर का हमारा कुर्ता जो कि स्ट्रेट कुर्ता आएगा, अगेन डेली यूज के लिए, ऑफिस वगैरह के लिए काफी अच्छा ऑप्शन रहेगा क्योंकि काफी बजट के अंदर में मिल जाता है ये कुर्ता। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बटन्स की आपको डिटेलिंग मिलेगी नेकलाइन पे, काफी खूबसूरत सी। 3/4 आपको यहाँ पे स्लीव्स मिल जाएगा, फ्रंट एंड बैक साइड बोथ साइड में आपको प्रिंट मिलता है, स्ट्रेट कुर्ता आएगा, क्वालिटी काफी अच्छी है इसकी, ट्रांसपेरेंट बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे धागे आप देख सकते हो काफी सारे धागे लगे हुए, बाकी कुर्ते में कोई डिफेक्ट नहीं है तो प्लस पॉइंट है। और इसके साथ में आपको मिलता है इसका ट्राउजर जो कि व्हाइट कलर का रहेगा, वेव के पैटर्न का यहाँ पे ट्राउजर आपको मिलेगा, कॉटन में है ये। सो यहाँ पे आप देख सकते हो एक साइड में आपको पॉकेट मिलता है यहाँ पे, और जो इसका वेस्ट में जो इलास्टिक लगाया गया ये काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। तो क्वालिटी, फिटिंग एंड प्राइस, मतलब ए ग्रेड मैं कहूंगी, ए ग्रेड दूंगी क्योंकि बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं सारे कुर्ताज एंड कुर्ता सेट। तो अगर आप इनमें से कोई भी लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अब मैं बात करूंगी ज्वेलरी की, तो मैंने जो है कुछ ज्वेलरी ऑर्डर करी थी जो मेरे पास रिसीव हो गई है वो वाली मैं शेयर कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने लिया था ये वाला इयररिंग जो कि ऑक्सटेयर ज्वेलरी, काफी खूबसूरत ये वाले इयररिंग मुझे लगे थे, तो मैंने ये इयररिंग लिए। आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा लाइट वेटेड है और क्वालिटी इनकी काफी ज्यादा अच्छी है, घुंघरू लगे हुए हैं इयररिंग में, क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। यहाँ पे बैक साइड में कुछ स्टेप से रहेगा ये, तो ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के ये वाले इयररिंग्स हैं। आप इनको कुर्ती के साथ में पहन सकते हो, साड़ीज के साथ में पहन सकते हो, कुर्ता सेट, मतलब किसी भी आउटफिट के साथ में आप इसको आराम से पहन सकते हो। देन मैंने लिया है एक नेक पीस जो कि इयररिंग्स के साथ में आता है ऑफकोर्स। तो यहाँ पे काफी खूबसूरत सा ये ऑक्सीडाइज ही मतलब नेकलेस है जो कि काफी खूबसूरत है, आप देख सकते हो। सो यू कैन सी यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें कुंदन का वर्क हो रखा है, ये गणपति का शेप में ये बनाया गया है जो कि काफी प्रिटी लगेगा। आप इसको अगेन कॉटन की साड़ीज के साथ में, कॉटन की कुर्ताज के साथ में पहन सकते हो, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती है इस टाइप की ज्वेलरीज। बहुत ज्यादा लाइट वेटेड भी है, काफी हैवी नहीं है ज्वेलरी, बहुत ही लाइट वेटेड है, तो डेफिनेटली गो फॉर दिस। सो फोकस फोकस नहीं हो रहा,
सो यस, ये हमारा नेक पीस है। इसके बाद में बारी आती है इस इयररिंग की। तो इसके इयररिंग भी बहुत ही प्यारे हैं, बड़े खूबसूरत इयररिंग है, लाइट वेटेड है, बिल्कुल भी इनका वजन नहीं है। आप देख सकते हो काफी लाइट वेटेड इयररिंग है। तो कुछ इस टाइप के ये इयररिंग्स रहेंगे, काफी खूबसूरत एंड प्यारे लगते हैं, पहनने पर काफी प्यारे लगेंगे। सो ये वाला नेक पीस एंड इयररिंग मैंने लिया जो कि बहुत लाइट वेटेड है, साथ ही साथ काफी बजट फ्रेंडली है। तो दोस्तों ये था मेरा मीशो से शॉपिंग का हॉल वीडियो, कुर्तीज का, कुर्ता सेट एंड ज्वेलरी का। अगर आपको पसंद आया, हेल्पफुल लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।